नमस्कार, जनप्रभात सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं अमेंद्र सिंह। एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। मलेशिया विवाद पर 12वें दौर की कोर कमांडर स्तरीय वार्ता आज। भारत चीन को गोगरा और हॉट स्प्रिंग पर ठोस नतीजे की उम्मीद। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी। मुठभेड़ में 2 दहशतगर्दों को किया ढेर। सर्च ऑपरेशन जारी। जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दों की धार्मिक स्थानों को दहलाने की साजिश। NIA ने शोपियां अनंतनाग समेत 14 जगहों पर मारा छापा। पेगासस जासूसी मामले में विपक्ष के हंगामे की भेंट चढ़ा मानसून सत्र। 9 दिन में केवल 8 घंटे ही चली राज्यसभा, 33 घंटे हुए बर्बाद। अध्यादेश से जुड़े विधेयकों के नाम होगा मानसून सत्र का अगला हफ्ता। अभी तक एक ही विधेयक पर सरकार लगवा पाई है दोनों सदनों की मुहर। भारत की अध्यक्षता में हुई ब्रिक्स की आतंकरोधी कार्यदल की बैठक। काउंटर टेररिज्म रणनीति पर काम करने को दिया अंतिम रूप। पेगासस मामले को लेकर डाली गई याचिका सुप्रीम कोर्ट ने की स्वीकार। चीफ जस्टिस NV रमन्ना की बेंच अगले हफ्ते कर सकती है सुनवाई। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने राष्ट्रीय डेटाबेस नीति बनाने पर दिया जोर। बोले, किसानों के विकास के लिए आंकड़ा नीति लाएगा कृषि मंत्रालय। असम पुलिस की कार्रवाई के बाद एक्शन में आया मिजोरम प्रशासन। CM हेमंत बिस्व शर्मा समेत कई अधिकारियों के खिलाफ केस दर्ज। खालिस्तान की धमकी के बाद CM जयराम ठाकुर की बड़ी सुरक्षा। वायरल ऑडियो की जांच करेगी CID की साइबर सेल। दिल्ली स्पेशल सेल के हत्थे चढ़ा 7 लाख का इनामी बदमाश। UP के सहारनपुर में मोस्ट वांटेड गैंगस्टर काला जठेड़ी गिरफ्तार। दिल्ली में JDU की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक आज। CM नीतीश की मौजूदगी में चुनाव समेत कई मुद्दों पर होगी चर्चा। यमुना के खतरे के निशान पार करने से दिल्ली में बाढ़ के हालात। लोगों को नदी किनारे से हटाकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। UP के विश्वविद्यालयों में स्थायी होगी ऑनलाइन क्लास की व्यवस्था। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत शिक्षकों को दिया जाएगा प्रशिक्षण। अमेजन के निजी डाटा संरक्षण कानून का किया उल्लंघन। EU ने लगाया 6,600 करोड़ रुपए का जुर्माना। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना महामारी को लेकर दी चेतावनी। का टीकाकरण में तेजी नहीं आई तो और जानलेवा होगा डेल्टा वेरिएंट। देश में बीते 24 घंटे में कोरोना के 41,495 नए मामले। इस दौरान 598 लोगों की गई जान। 37,306 मरीज हुए ठीक। देश में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 3,16,00,000 के पार, जबकि अभी तक 4,23,000 लोगों की जा चुकी है जान। कोरोना प्रबंधन में तारीफ पाने वाले केरल में संक्रमण की डरावनी रफ्तार। लगातार 4वें दिन 20,000 से ज्यादा मामले आए सामने। कोरोना के चलते केरल में आज से सख्त वीकेंड लॉकडाउन लागू। मेडिकल जैसी जरूरी सेवाओं को छोड़कर सब कुछ रहेगा बंद। देश में कोरोना वैक्सीनेशन का आंकड़ा 46 करोड़ के पार। 2,27,000 गर्भवती महिलाओं ने भी लगवाया टीका। बिहार विधानसभा का मानसून सत्र कई मायनों में रहा ऐतिहासिक। विपक्ष की नोकझोंक के बीच 8 महत्वपूर्ण विधेयक हुए पास। दिल्ली विधानसभा ने डॉक्टरों को भारत रत्न देने के लिए पारित किया प्रस्ताव। विपक्षी भाजपा ने सौरभ भारद्वाज द्वारा लाए गए प्रस्ताव का किया समर्थन। राहुल गांधी ने महंगाई को लेकर केंद्र सरकार पर साधा निशाना। बोले, गरीब जनता से अंधाधुंध कर वसूली कर रही है मोदी सरकार। गहलोत मंत्रिमंडल ने संभावित फेरबदल से पहले माकन ने दिया बयान। बोले, गहलोत मंत्रिमंडल के कई मंत्री पद छोड़ने के इच्छुक। अगले साल गांधीनगर में आयोजित होगा सबसे बड़ा डिफेंस एक्सपो। दुनिया की बड़ी कंपनियों के सामने आधुनिक हथियारों के आने की संभावना। श्री कृष्ण जन्म स्थान मामले में ईदगाह पक्ष ने नहीं दाखिल किया जवाब। जिला न्यायाधीश ने 16 अगस्त तय की सुनवाई की अगली तारीख। अंतर्राज्यीय सीमा से पुलिस हटाने को राजी हुए असम और नागालैंड। नागालैंड के डिप्टी CM बाई पैटन ने दी जानकारी। TMC विधायक हुमाऊ कबीर ने अपनी ही पार्टी के विधायक को दी धमकी। बोले, अगर मेरे रास्ते में रबी उल आलम आए तो तोड़ दूंगा उनकी हड्डियां। तमिलनाडु में संयंत्र बंद करेगी वेदांता लिमिटेड की स्टरलाइट कॉपर। सुप्रीम कोर्ट ने 31 जुलाई तक ही कंपनी को चलाने का दिया था आदेश। झारखंड में 9वीं से 12वीं तक के स्कूलों को खोलने की अनुमति। प्रदेश सरकार ने अंतर्राज्यीय बसों के संचालन को भी दी अनुमति। NET स्नातक के लिए संशोधित आरक्षण को किया गया अधिसूचित। पिछड़ों को 22 और सामान्य गरीबों को मिलेगा 10% आरक्षण। आज घोषित होंगे UP के 10वीं और 12वीं के बोर्ड परीक्षा के नतीजे। UP शिक्षा निदेशालय ने शाम 3 बजे रखा समय। गांव में नए कुटीर उद्योगों के लिए पूंजी देगी हरियाणा सरकार। दुष्यंत चौटाला बोले, आवेदन करने के 7 दिनों के भीतर मिलेगी मंजूरी। किसान संसद ने बिजली संशोधन विधेयक को वापस लेने की रखी मांग। संयुक्त किसान मोर्चा ने विधेयक को बताया किसान विरोधी। तस्करी की 14 कलाकृतियां, भारत को लौटाएगा ऑस्ट्रेलिया। विदेश मंत्रालय ने ऑस्ट्रेलिया के फैसले का किया स्वागत। तमिलनाडु सरकार ने अस्पताल प्रबंधकों को जारी की सलाह। कहा, कोरोना रोगियों को घरों में रखने के बजाय अस्पतालों में कराएं भर्ती। अगले सप्ताह हो सकता है कर्नाटक मंत्रिमंडल का विस्तार। JP नड्डा के साथ बैठक के बाद सूची को अंतिम रूप देंगे मुख्यमंत्री। नोएडा के खरीदारों को दिसंबर तक 8,000 मकान सौंपेगा सुपरटेक। ग्रेटर नोएडा और मेरठ में 2023 तक 16,000 मकानों का पूरा करेगा निर्माण। आम्रपाली और बायोटेक के निदेशकों के खिलाफ CBI की कार्रवाई। कथित बैंक धोखाधड़ी को लेकर दर्ज की FIR। गुजरात के सरकारी कर्मचारियों को जल्द मिलेगा बकाया महंगाई भत्ता। सरकारी खजाने पर 464 करोड़ रुपए का पड़ेगा अतिरिक्त बोझ। उद्धव ठाकरे और फडणवीस ने बाढ़ प्रभावित इलाके को लेकर की मुलाकात। फडणवीस बोले, लोगों को राहत देने में नहीं होनी चाहिए राजनीति।
चीन के बीजिंग और शहरों में अचानक बड़े कोरोना के मरीज, हवाई अड्डों के कर्मचारियों के संक्रमित पाए जाने के बाद सभी उड़ाने रद्द। मधुबनी में सोना व्यवसायी पर अपराधियों ने चलाई अंधाधुंध गोलियां, गौरी शंकर ठाकुर की गई जान, आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। बिजनौर में बारिश के कारण बाइक सवार पिता पुत्र पर गिरा पेड़, घायल पिता पुत्रों को जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती। कन्नौज में बदमाशों ने व्यापारी के घर से की लाखों की लूटपाट, विरोध करने पर अखिलेश मिश्रा के पुत्र को बदमाशों ने मारी गोली। छिबरामऊ सीएचसी पहुंचे पूर्व विधायक अरविंद सिंह यादव ने किया वादा, बोले 2022 में सरकार बनने के बाद हर सुविधाओं से लैस होगा अस्पताल। टोक्यो ओलंपिक में पदक से सिर्फ एक जीत दूर पीवी सिंधु, महिला एकल सेमीफाइनल में आज ताई जू यिंग से होगा मुकाबला। महिलाओं के डिस्कस थ्रो में कमलप्रीत कौर ने दिखाई ताकत, 64 मीटर के स्कोर के साथ फाइनल में मारी एंट्री। ओलंपिक में भारत के स्टार मुक्केबाज अमित पंघाल ने किया निराश, नंबर एक खिलाड़ी को पहले मैच में मिली 4-1 से हार। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।